वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग को बताने वाले हैं एसएससी एमटीएस भर्ती 2019 के बारे में। तो दोस्तों, अभी जो आप लोगों ने एसएससी एमटीएस के लिए अप्लाई किए हैं, तो दोस्तों एग्ज़ाम जो होने वाला है, एग्ज़ाम में किस प्रकार से आप लोग का क्वेश्चन जो पूछा जाने वाला है, इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे ऑल टाइप क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। तो आप लोग को क्वेश्चन आंसर विद पीडीएफ आप लोग को जो इस वीडियो में दिया जाएगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। ये जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, और भी प्रैक्टिस सेट अभी आने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग को बताते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पे एक पीडीएफ बनाया है जो कि यहाँ पे 5 पेज के ये पीडीएफ है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है जो कि इंग्लिश, उसके बाद आप लोग का जीके, फिर रीजनिंग और मैथ, जो चारों प्रकार के आप लोग का क्वेश्चन आया करते हैं एसएससी एमटीएस के लिए। एकदम न्यू पैटर्न है, अभी तक ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया एग्जाम में, ठीक है। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, यदि आप लोग घर पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कोचिंग भी करते हैं फिर भी कोई प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, जाके आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जैसे डाउनलोड करेंगे आप लोग के पास सेम पीडीएफ आ जाएंगे। फिर आप लोग जो है इस पीडीएफ में ही क्वेश्चन पढ़ के आंसर दे सकते हैं, या फिर आप लोग अपनी कॉपी पर 1 से लेकर 100 तक नंबर लिख लीजिए। उसके बाद आप लोग से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन बना लीजिए, कुछ उत्तर दे दीजिए। उत्तर देने के बाद आप लोग जो है नीचे आ जाइए पीडीएफ में, उसके बाद आप लोग यहाँ पे आप लोग अपना जो आंसर शीट मिला लीजिए, कितना सही किए कितना गलत किए हैं, और फिर कितने मार्क्स आप लोग अभी जो आप लोग का एमटीएस के लिए आ रहे हैं उस आधार पे आप लोग जो अपना तैयारी जारी कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर से एक बार बताऊँगा आप लोग को, यदि प्रैक्टिस नहीं करते घर पर, तो आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय।